हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के चल रहा था बीसीसीआर नीट 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप लोग को प्रतिदिन 8:30 बजे से लाइव क्लास होता है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बताने वाले हैं आपका पोलिनेशन से, परागण से। क्लास पूरा कीजिएगा और क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग को फरवरी से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी लाइव 8:30 बजे, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे समझिए पोलिनेशन। आज हम बात करने वाले हैं परागण के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे परागण कि परागण क्या होता है। परागण को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। एकदम अच्छे से समझना है, एक एक बात जो है ना एकदम बढ़िया से समझना है, अच्छे से समझना है। देखिए, पोलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है। जैसे समझ लीजिए, यहां से हमें वो पुष्प बनाते हैं, ये क्या बना दिए, एगो पुष्प बना दिए। एकदम बढ़िया समझना, ये क्या बना दिए, एगो पुष्प बना रहे। एक एक बात जो है अच्छे से समझना है। ई वाला एगो हमने पुष्प बना दिया, क्या बना दिया बाबू, पुष्प बना दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, पुष्प हमने बना दिया है। अब ये वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं मादा भाग। इस भाग को क्या बोलते हैं? मादा भाग। इसके अंदर में है बीजांड, क्या है, अंदर में बीजांड। और यहां से लेकर के ई वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं नर। देखिए, हम पिछले क्लास में बताए थे सूर्य में ही बेसिक में कि यहां से लेकर के यहां तक ये भाग है नर भाग है, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक ई वाला जो भाग है ये मादा भाग है, और यहां से लेकर के यहां तक ई वाला क्या है, नर भाग है। समझिए ना बढ़िया से, एक एक के बाद पोलिनेशन होता क्या है। देखिए, इसको बोलते हैं नर भाग, ये क्या है, नर भाग है, ठीक है। तो नर भाग को क्या बोलते हैं, नर भाग को बोलते हैं पुमंग, बोलते कि नहीं बोलते हैं, बताए थे एंड्रोसियम पुमंग कहते हैं। आरी वाला है जो मादा भाग है, क्या है, मादा भाग। और बताए थे कि जो मादा भाग होता है उस मादा भाग को बोलते हैं जयांग, क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं, ठीक है। अब ये नर भाग का ये वाला गोलाकार जो संरचना है इसको बोलते हैं एंथर। इसको क्या बोलते हैं, एंथर, यानी पराग कोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोष कहते हैं। एकदम बढ़िया समझना, इसको क्या बोलते हैं, पराग कोष कहते हैं। और ये वाला जो भाग है, इस भाग, ये वाला मादा भाग है, और इस मादा भाग को बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझिए, तो यहां पर पराग कोष की अगर बात करें तो इस पराग कोष में बताए थे किसका निर्माण होता है, तो पराग कोष में परागकण बनता है, पोलिन ग्रेन बनता है। परागकण को इंग्लिश में पोलिन ग्रेन, पराग कोष को इंग्लिश में कहते हैं एंथर, या इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं लघु बीजाणु धानी, या इसको लघु बीजाणु, ठीक है। तो इस पराग कोष की अगर बात करें तो इस पराग कोष में निर्माण होता है परागकण का। किसका निर्माण होता है, परागकण का। आरी वाला है मादा भाग का वर्तिकाग्र, क्या है, वर्तिकाग्र। और बताया थे कि वर्तिकाग्र हमेशा चिपचिपा तरल पदार्थ स्रावित करता रहता है। तो परागकण क्या हो गया, निर्गमक हो गया, आई पराग कोष। तो पराग कोष से परागकण निकलकर मादा भाग के, यहां से चारों तरफ क्या है, परागकण लगा हुआ है, और यहां से परागकण से क्या होता है कि पराग कोष से ये परागकण निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है, मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उस क्रिया को परागण कहा जाता है। फिर से बोल दे, क्या लिखेगा परागण अगर पूछेगा तो, पराग कोष से परागकण निकलकर, पराग कोष से परागकण निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ये पराग कोष है। और इस पराग कोष के अंदर परागकण बनता है, परागकण यहां से निकला और निकल करके मादा भाग की वर्तिकाग्र तक पहुंचा, यानी कह सकते पराग कोष से परागकण निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उस क्रिया को कहा जाता है परागण। तो देखिए, इसमें परागण अपने आप जा सकता है, हवा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से भी जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते, अभी तक समझिए बढ़िया से, अगर हम परागण की बात कर ले, किसका, परागण का, ठीक है। परागण की अगर हम लोग बात करें तो परागण जो होता है दो प्रकार के होता है, एकदम अच्छे समझिएगा। परागण की अगर बात कर ले हम लोग, इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए कि क्या लिखेगा परिभाषा परागण के,
परागण की परिभाषा हो जाएगा कि पराग कोष से परागकण निकलकर मादा भाग के प्रतिकाग्र तक पहुंचता है, इस क्रिया को परागण कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं परागण कितने प्रकार के हैं, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं, आगे समझिए। एकदम अच्छे से समझना है, सारे बात अच्छे से समझना है, क्योंकि अच्छे से समझिएगा तभी आपको एग्जाम में बन पाएगा। देखिए बायोलॉजी को हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन लोग बना देते हैं, समझते नहीं है तो लगता है बायोलॉजी बड़ी हार्ड है। हार्ड है जी, बायोलॉजी एक जादू है, ठीक है ना। अंगलिका बंगलिका रंगलिका जंगलिका जादू है ये जादू, बायोलॉजी एक जादू है, माने न माने न तू। देखिए यहाँ पे समझिए बढ़िया से, क्या समझना है? परागण, क्या बात कर रहे थे? परागण की, कि परागण जो होता है वो कितने प्रकार के होता है, समझिए। पोलिनेशन एकदम अच्छे से समझना है, ये परागण के प्रकार हो गया। देखिए समझिए बढ़िया से, अगर हम परागण की बात कर ले तो परागण जो होता है दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? परागण होता है दो प्रकार के। अब ये दो प्रकार के कौन कौन होता है अच्छे समझना, बस आज इतना ही क्लास चलेगा, हम छोटा सा, ठीक है। परागण दो प्रकार के होता है, एक होता है आप लोग का स्वपरागण, क्या कह सकते हैं? एक होता है स्वपरागण होता है, क्या होता है? स्वपरागण होता है, और एक होता है परपरागण, क्या होता है? परपरागण। देखिए परपरागण जो होता है बाबू, तो परपरागण को हम लोग बोल सकते हैं या जीनोगेमी, क्या बोल सकते हैं? परपरागण को जीनोगेमी बोल सकते हैं। एक एक बात अच्छे समझिए, परपरागण को क्या कह सकते हैं? जीनोगेमी, ठीक है। इंग्लिश में स्वपरागण को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। एक एक बात अच्छे समझना है, और परपरागण को बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन कह सकता है या इसी को बोल सकता है जीनोगेमी। चलिए देखिए, तो यहां पे समझिए परागण जो होता है मुख्य रूप से दो ये प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? एगो स्वपरागण होता है, एगो परपरागण होता है, ठीक है। स्वपरागण में क्या कह सकते हैं और परपरागण? तो पहले इस डायग्राम को अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद सबको अलग अलग डिफाइंड करेंगे कि स्वपरागण क्या होता है परपरागण। देखिए अगर हम लोग स्वपरागण की बात कर ले तो पहले समझिए स्वपरागण जो होता है ये भी दो प्रकार के होता है, ठीक है। अब ये कौन को एकदम अच्छे से समझना, देखिए समझिए यहाँ पे बढ़िया से। स्वपरागण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्वपरागण भी दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है स्वयुग्मन, क्या होता है? स्वयुग्मन, एकदम अच्छे से बात समझना है। एक होता है स्वयुग्मन और एक होता है आप लोग यहाँ पे समझिए, एक होता है आपका सजात पुष्पी परागण, क्या होता है? सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। देखिए यहां पे समझिए, इस सजात पुष्पी परागण होता है, तो इस सजात पुष्पी परागण को इंग्लिश की अगर बात करें तो इधर के स्वयुग्मन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोगेमी, क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीटेनोगेमी। चलिए अगर यहां पे याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है, परागण कितने प्रकार के? परागण दो प्रकार के, एगो स्वपरागण एगो परपरागण। स्वपरागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एगो स्वयुग्मन एगो सजातीय सजात पुष्पी परागण, ठीक है। अब यहां पर समझिए अगर हम बात कर ले परपरागण की, किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं परपरागण की। तो परपरागण की अगर बात किया जाए तो परपरागण जो होता है दो प्रकार के होता है। परपरागण को अगर देखा जाए तो परपरागण दो प्रकार के होता है, एगो अजैव कारक होता है। इसमें देखिए एक बात यहाँ पे समझिएगा कि परपरागण के लिए इसमें जो है ना दो प्रकार के एजेंट की आवश्यकता होती है। परपरागण के लिए क्या होता है कि दो प्रकार के माध्यम, स्वपरागण में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे समझ लो यहाँ पे, मान लो कि पुष्प है, एकदम अच्छे समझना, ई वाला पुष्प बना दिए, ठीक है, ई वाला पुष्प बना दिए, समझिए यहाँ पे, आर ई वाला मादा भाग है, आर ई वाला क्या है? नर भाग है।
एक और पुष्प बना दिए, ठीक है यहाँ पे समझिए, एक और पुष्प बना दिए और एक और पुष्प बना दिए यहाँ पे। ए वाला में भी नर भाग है, ई वाला मादा भाग है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से पराग कोष निकला और यहां से पराग कोष निकल करके किसी दूसरे पौधा के मादा भाग के वर्तिकागर तक पहुंचता है, तो दूसरे पौधा के मादा भाग के वर्तिकागर तक पहुंचने के लिए कोई माध्यम चाहिए, चाहे हवा से चला तो हवा से उड़ जाकर के दूसरा पौधा पर आएगा, या कीट पतंग बैठा तितली के माध्यम से, या पक्षी, कोई माध्यम होना चाहिए ना। तो पर परागण के लिए दो प्रकार के माध्यम की आवश्यकता पड़ता है, एक होता है आपका अजैव कारक और दूसरा का होता है जैव कारक। जैव कारक दो प्रकार की ये हो गया माध्यम, ठीक है। परागण जो होता है दो प्रकार के माध्यम से होता है, एक अजैव जिसको ए बायोटिक एजेंट भी बोल सकते हैं, ए बायोटिक, और दूसरा का होता है बायोटिक एजेंट। कारक मतलब एजेंट भी कह सकते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा का होता है ए बायोटिक और बायोटिक। तो पर परागण के लिए कितने प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, अगर हम लोग बात करें पर परागण के, तो पर परागण के लिए मात्र दो प्रकार के माध्यम, कितने प्रकार के माध्यम, तो दो प्रकार के माध्यम लिख देते, दो प्रकार के माध्यम, दो प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होता है, एक अजैव कारक एगो जैव कारक। अब अगर हम अजैव कारक की बात कर ले तो अजैव कारक में कौन कौन सा आएगा, अजैव कारक में भी दो प्रकार के कारक आते हैं। अब ये अजैव कारक की अगर बात कर ले हम लोग तो अजैव में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है कारक। अब अजैव में कौन कौन आता है, तो एक होता है अजैव में आपका वायु परागण, जिसको हवा परागण कह सकते हैं, ठीक है वायु परागण। देखिए वायु परागण को हम लोग जो है ना हवा परागण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वायु हवा एक ही बात है। एक होता है जल परागण, क्या होता है एक जल परागण। ये दो प्रकार अजीवीय, अजीवीय का मतलब कि देखो अजैव यहां पे लिखा है ना, इसको दूसरी भाषा में हम लोग जो है अजीवीय कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अजीवीय। अजीवीय का मतलब हो गया कि जो पृथ्वी पर निर्जीव अवस्था में, जो सजीव अवस्था में ना हो और उसके द्वारा परागण हो। तो हवा यहां से पराग कोष से परागकण निकला तो हवा के माध्यम से उड़ करके भी तो मादा भाग के वर्तिकागर पर जा सकता है, या वर्षा के माध्यम, वर्षा के समय में पानी से बहकर भी दूसरे पौधा पर जा सकता है, जा सकता है कि नहीं, जा सकता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रो, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनीमो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमोफिली। लेकिन हम लोग अगर जैव कारक की बात करें तो जैव कारक को समझो, यहां पे लिखते हैं, तो जैव कारक जो होता है तीन प्रकार के होता है, ठीक है। जैव कारक में बहुत प्रकार के जीव, जैव का मतलब होता है जीवीय, जैव का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब होता है जीवीय, और जीवीय कह सकते हैं जैव का मतलब क्या हो गया जीवीय, यानी जो जीवित अवस्था में, जीवित अवस्था में क्या क्या, कीट पतंग जीवित अवस्था में आएगा, पक्षी परागण भी जीवित अवस्था में आएगा, जंतु परागण भी जीवित अवस्था में आएगा, क्रिप्टेलोफिलिया चमगादड़ भी जीवित है, जो जिंदा है, और जिंदा जंतुओं के द्वारा जो परागण की क्रिया होता है वो जैव कारक में आते हैं, और अजैव कारक में रखा गया जो निर्जीव अवस्था में कार्य करते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे, बढ़िया समझिए, एक एक बात हम लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला बात कर लेते हैं कीट परागण, पहला क्या होगा कीट परागण, ठीक है कीट परागण, कीट परागण, कीट परागण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेमोफिली, इंटेमोफिली। दूसरा होता है, दूसरा मान लीजिए यह है पक्षी परागण, क्या हो गया पक्षी परागण, पक्षी के द्वारा जिसमें परागण की क्रिया हो, पक्षी परागण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्निथो, ठीक है। अब तीसरा बात कर ले चमगादड़ द्वारा परागण, ठीक है किसके द्वारा, चमगादड़ परागण, यहां पे लिख देते चमगादड़, चमगादड़ परागण। तो चमगादड़ द्वारा जो परागण होगा उसको बोलते हैं क्रिप्टेरोफिली, क्रिप्टेरोफिली, ठीक है। अब यहां पे समझिए एक और होता है आपका, एक और मान लीजिए होगा घोंघा द्वारा, यानी घोंघा परागण, क्या बोल सकता है घोंघा द्वारा परागण। तो घोंघा को इंग्लिश में यहां पे बोल सकते हैं मिलाइकोफिली, मिलाइकोफिली, ठीक है।
अब यहाँ पर समझिए एक एक बात, यानी कह सकते कीट परागण उसको बोलते हैं जिसमें कह सकता है कि पराग कोष से परागकण निकलकर कीट पतंग के माध्यम से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो कीट पतंग में कौन आता है, जैसे मान लीजिए बना दिए तितली, क्या बना दिए, ये तितली बना दिए, ठीक है, तो ये तितली के माध्यम से जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो यानी कह सकते हैं कि वैसा परागण जिसमें पराग कोष से परागकण निकलकर कीट के माध्यम से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है कीट परागण कहते हैं। पक्षी के माध्यम से तो पक्षी परागण, चमगादड़ के माध्यम से मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है परागकण, उसको चमगादड़ यानी क्रिप्टेरोफिली और मेलाइको फिली घोंघा द्वारा, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अगर लिखना चाहते हो डायग्राम कॉपी पे तो आप इसको उतार सकते हो, ठीक है। कोई बात, आज का क्लास बस इतना ही, छोटा सा क्लास है। कल से आप लोगों का दो दिन के लिए क्लास बंद रहेगा, ठीक है, एकदम बढ़िया समझे, दो दिन क्लास बंद रहेगा। आज 10 मिनट का क्लास हुआ, ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि हमारा भी ड्यूटी चल रहा है, हम भी परेशान है उसके लिए। दो दिन क्लास बंद रहेगा, 28 तारीख से फिर शुरू हो जाए, 26 तारीख को 26 जनवरी घूमिए, सरस्वती पूजा मनाइए बढ़िया से, 27 तारीख को सरस्वती माता का मूर्ति को डुबाइए ना, बड़े प्रेम से आशीर्वाद मांगिए सरस्वती माता से, हमको कुछ नहीं आता सरस्वती माता, और सब कुछ दीजिए। उसके बाद 28 तारीख से आप लोग का क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, और इसको अगर उतारना चाहते हैं तो छोड़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, उतारना चाहते हैं आप उतार लीजिए, ठीक है।